ये तो सच में ऑफ रोडिंग हो गया यार। अब ये तो ऋषिकेश में आओ तो फॉरनर्स तो ढेर सारे मिलते हैं, आप देख सकते हो। आज ब्लू है पानी पानी वाला टाइप, एकदम नीला नीला पानी गंगा का, और ये अपना ऋषिकेश एरिया। हेलो गाइस, स्वागत है माय न्यू ब्लॉग। पिछला ब्लॉग को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ ऋषिकेश रोड पे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें, पिछला ब्लॉग कैसा लगा बताएं, और इस ब्लॉग पे कंटिन्यू रहें। और इस सेम एक्सपल्स आज ऋषिकेश निकल रहा हूँ, और आई थिंक कैमरा सेट हो गया परफेक्ट। तो ऋषिकेश में आओ तो फॉरनर्स तो ढेर सारे मिलते हैं, आप देख सकते हो। तो ऑफ रोडिंग ही कहेंगे ना। फिर आप एक पिछला ब्लॉग देखना, उसमें नील वाटरफॉल का प्रॉपर हम लोग उसमें स्विमिंग करा था। ओहो क्या मजा आया था, पूरे फ्रेंड ग्रुप आए थे, उसमें हिमालयन से आए थे। आज अकेला हूँ मैं विद एक्सपल्स। यहाँ से पैदल जाते हैं नीर वाटरफॉल। दिस वन इज नीर वाटरफॉल, बट मुझे इसके ऊपर जाना है। आई लव सोलो ट्रैवल, सिर्फ कहने में भाई मज़ा आता है, उसके बाद मुझे तो मज़ा नहीं आता। मैं पहले सोचता था कि सोलो ट्रैवल करूँगा। ये गाइस ये एक पॉइंट था जहाँ हम लोगों ने बाइक पार्क किया था पिछले दफ़ा, जहाँ पे बाइक जा पिछला व्हील हिमालयन का हानी फाई वाला जैम हो गया था। तो गाइस ये है गंगा रिवर। आज ब्लू है पानी पानी वाला टाइप। यहाँ पे छोटा सा एक पिक्चर लेके ट्राई करता हूँ, कितना खूबसूरत है एकदम नीला नीला पानी गंगा का। और ये अपना ऋषिकेश एरिया, वो दिख रहा होगा थोड़ा सा, वो राम झूला है एंड लक्ष्मण झूला उसके आगे है, जो अभी काम चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, थोड़ा सा मेंटेनेंस में। ये तो सच में ऑफ रोडिंग हो गया यार, टूटे फूटे रोड है चलाने भाई।
तब से रोड पे इसी को फॉलो कर रहा हूँ, कोटली हिल। बट ये कोटली हिल आ नहीं रहा भाई, 15 किलोमीटर तो हो गए अभी तक वाटरफॉल से। ऑफ रोडिंग इन द माउंटेन, great feeling on this road. भाई इस रोड पे मजा ही आ गया, इरिटेट कर रहा है बट मजा आ रहा है। तो गाइज ब्लॉग को एंड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज मेरे मेमोरी हो गए हैं फुल। और ये खूबसूरत सा सनसेट के साथ चाय का चुस्की, तो कैसा लगा गाइज ये ब्लॉग प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में। खासकर ये राइडिंग वाला, आज का राइडिंग का ब्लॉग अमेजिंग होगा, हुआ होगा आप लोग देख रहे होंगे तो, बिकॉज आज पूरा ऑफ राइडिंग हुआ है। ये तो मैं लंबा ब्लॉग ना हो जाए इसके लिए बहुत छोटे छोटे क्लिप डाला हूँ, नहीं तो बहुत लंबा ब्लॉग होने वाला था। क्योंकि ऑफ राइडिंग में मेरे पूरे धूल धूल हो गए थे, फेस वॉश करा फिर यहाँ पे आके फिर चाय पी रहा हूँ। तो ये खूबसूरत सा नीचे ऋषिकेश गंगा नदी भी यहाँ से दिख रहा है, शायद आप लोगों को कैमरा में दिख जाए। और छोटा सा छोटा छोटा प्यारा प्यारा गाँव। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।